गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर EVS क्लास। एंड यस्टरडे वी फिनिश द फर्स्ट चैप्टर। अच्छा, पहला चैप्टर फिनिश हो गया है पूरा, आपने कॉपी में काम कर लिया होगा। आज वेनसडे है, कल थर्सडे तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए काम। उसके बाद मैं कॉपीज चेक करने का प्रोग्राम सेट करती हूँ कि कैसे कॉपी चेक करनी है, ठीक है। इसके अलावा फिर मेरे ख्याल से फ्राइडे को मैं आपको एक टेस्ट पेपर दूंगी फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा तो पूरा लर्न कर लेना अच्छे से, ठीक। तो आज हम चैप्टर टू चालू करेंगे। चैप्टर टू पेज नंबर 12 एंड द चैप्टर नेम इज़ माई एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है। अच्छा, ये रहा आपका चैप्टर नेम, ये रहा आपका सॉरी नंबर, और ये रहा चैप्टर का नेम। ये जो हार्ड वर्ड्स हैं, अभी ताका झाकी करके इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले मैं जो कहानी सुना रही हूँ वो सुन लो आराम से, ठीक है। उसके बाद फिर जब मैं बोलूँगी तभी से नोट करना, बिल्कुल भी लोड मत लिया करो दिमाग पे कि बोर्ड पे क्या लिखा है, नोट कैसे करेंगे, कॉपी में कैसे काम करेंगे। काम डाउन, शांति शांति, आराम से। जब मेरे को लगेगा कि आपको कुछ नोट करवाना है तो मैं खुद बोल दूँगी और मैं साइड में हट जाऊँगी, आराम से नोट करते रहना, ठीक है। तो अभी सबसे पहले ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 12, ठीक। द चैप्टर नेम इज़ माई एक्सटेंडेड फैमिली एंड द चैप्टर नंबर इज चैप्टर नंबर 2। फाइन, ओके। तो अब मैं ये समझ रही हूँ कि सभी बच्चों ने बुक्स खोल ली हैं और हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, डू यू हैव मैनी रिलेटिव्स, राइट डाउन द नेम ऑफ योर फेवरेट रिलेटिव एंड व्हाई इज द पर्सन योर फेवरेट। ओके, तो सबसे पहले तो हम एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा होगा, कि टू टाइप्स ऑफ फैमिली इज देयर, इमीडिएट फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली। इमीडिएट फैमिली में हमने क्या पढ़ा था, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। जो पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन होते हैं वो बिल्कुल इमीडिएट फैमिली कहलाती है, लेकिन उसके अलावा सब, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स हो, अंकल आंट्स हो, कजन्स हो, कोई भी हो, वो सारे क्या कहलाते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब क्या होता है, एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब होता है एक्सपेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड या एक्सपेंडेड एक ही बात है, ठीक है ना। तो अभी जब लिखना होगा तब मैं आपको बताऊंगी, अभी सिर्फ समझ लो। तो एक्सटेंडेड फैमिली मतलब एक्सपेंडेड फैमिली। एक्सपेंडेड मतलब हमारी फैमिली कितनी एक्सपेंड है, कितनी और बढ़ी हुई है, ठीक है ना। अब एक बार बताओ कि पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, वो एक फैमिली हो जाती है, लेकिन उसके अलावा दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताई, चाचा चाची, मामा मामी वगैरह वगैरह जितने भी हैं, सारे एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है। अब हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि डू यू हैव मैनी रिलेटिव्स, ऑब्वियसली हम सबके बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, है ना। कोई हमारी सेम सिटी में रहते हैं या कोई तो सेम हाउस में ही रहते हैं, जिसको कि जॉइंट फैमिली कहा जाता है। और कभी कभी जो रिलेटिव्स होते हैं वो अदर सिटीज में रहते हैं, अदर कंट्रीज में रहते हैं, बट ऑल ऑफ अस हैव अ लार्ज नंबर ऑफ रिलेटिव्स, बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं हमारे, राइट। तो ठीक है, इसमें पहला जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि डू यू हैव मैनी रिलेटिव्स, ऑब्वियसली येस यू हैव मैनी रिलेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम ऑफ योर फेवरेट रिलेटिव। अब आपको आपके फेवरेट रिलेटिव का नाम लिखना है, ऐसा कोई है क्या? तो जो भी आपको सबसे ज्यादा पसंद हो सोच के उसका नाम लिख देना यहाँ पे, ठीक। स्पेलिंग सही होनी चाहिए, किसी का नाम कलावती है तो उसको कमलावती मत कर देना, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि हु इज योर फेवरेट रिलेटिव और उसका नाम लिखना है। सेकंड क्वेश्चन सोचना है आपको कि व्हाई ही इज योर फेवरेट रिलेटिव, ही और शी, कोई भी, अगर मान लो कोई मेल है तो वो ही हो जाएगा और कोई फीमेल है तो वो शी हो जाएगी, फाइन। तो अगर कोई दादाजी अगर आपके फेवरेट है तो उनका नाम लिख तो देना है, लेकिन वो क्यों फेवरेट है, उनकी ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो सबसे पहले ये तीन क्वेश्चन आपको बुक में ही करने होंगे। पहले तो डू यू हैव मैनी रिलेटिव, जनरली येस, इसका तो येस ही होगा आंसर। हु इज़ योर फेवरेट रिलेटिव, भाई वो तो आपको ही पता होगा, आपको ही लिखना है उनका नाम। और वो आपके फेवरेट क्यों हैं, तो एक छोटा सा रीज़न लिख देना, उनके कोई भी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, कि वो बहुत प्यार करने वाले हैं, ही इज़ वेरी लविंग और वेरी ब्यूटीफुल, और या तो फिर बहुत केयरफुल है, होते हैं वो, केयरिंग है, ठीक है ना, या फिर इसके बाद वो बहुत करेजियस हैं, किसी भी कारण से, जो भी कारण है वो आपको एक वर्ड में लिखना है, फाइन। चलिए अब हम चैप्टर रीड कर लें। हाँ, तो चैप्टर शुरू होता है विद द हेडिंग एक्सटेंडेड फैमिली।
द रिलेटिव्स इन द फैमिली आर नोन एज एक्सटेंडेड फैमिली. हमारे जितने भी रिलेटिव्स होते हैं फैमिली में, उन सबको हम एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं. दे आर रिलेटेड टू अस बाय ब्लड और बाय मैरिज. अब वो या तो हमारे ब्लड रिलेशन के रिलेटिव्स होते हैं या तो फिर मैरिज के थ्रू रिलेटिव्स होते हैं. अब इस बात को कैसे समझोगे, अभी आप छोटे हो, है ना, आपकी बहन आपकी ब्लड रिलेटिव है, आपकी मम्मा आपकी ब्लड रिलेटिव है, पापा आपके ब्लड रिलेटिव हैं. जब आप बड़े हो जाओगे, जब आपकी शादी हो जाएगी, तो जो आपकी वाइफ होगी वो आपकी ब्लड रिलेटिव नहीं होगी, वो आपकी कैसी रिलेटिव होगी, बाय मैरिज. ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आपकी वाइफ जो होगी उसके भी तो पेरेंट्स होंगे, है ना, उसके भी मम्मी पापा होंगे, तो वो भी आपके ब्लड रिलेटिव्स नहीं होंगे, बाय मैरिज रिलेटिव होंगे. तो कहने का मतलब ये है कि कुछ रिलेटिव्स होते हैं जिनको हम ब्लड रिलेटिव्स कहते हैं और कुछ रिलेटिव होते हैं जिनको हम बाय मैरिज रिलेटिव कहते हैं. ठीक, दे कैन बिलोंग टू एनी जनरेशन, और वो किसी भी जनरेशन के हो सकते हैं. डेफिनेटली आपके दादा दादी भी आपके ब्लड रिलेटिव हैं, आपके मम्मी पापा भी आपके ब्लड रिलेटिव हैं, और आपकी बहन या आपका भाई, सिबलिंग नॉट कजन्स, ठीक है, वो भी आपके ब्लड रिलेटिव हैं. और लेकिन उनकी जनरेशन तो अलग अलग है. दादा दादी की जनरेशन तो इतनी अलग है, नाना नानी की भी अलग है, आपके मम्मी पापा की जनरेशन अलग और आपकी जनरेशन अलग. तो हमने पिछले लेसन में पढ़ा था ना कि जनरेशन क्या होती है. ठीक है, तो इससे हम देख रहे हैं कि जनरेशन कोई भी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारे रिलेटिव सब जनरेशन्स में होते हैं. ठीक, ओके, नेक्स्ट, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अवर पेरेंट्स. हमारे पेरेंट्स के ब्रदर और सिस्टर, मतलब ध्यान से सुनना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स के ब्रदर और सिस्टर आपके कौन हुए, अंकल एंड आंट, चाचा जी हैं घर में या ताऊ जी हैं घर में, तो वो पापा के भैया होते हैं, है ना, पापा के छोटे भाई जो होंगे वो, तो क्या हुआ, पेरेंट के ब्रदर हुए. तो पापा के जो छोटे भाई होंगे वो चाचू, और जो पापा के बड़े भाई होंगे वो ताऊ जी, है ना. तो इसी तरीके से आपके अंकल एंड आंट बन गए ना वो, तो पेरेंट्स के जो ब्रदर और सिस्टर्स होते हैं वो, उनके भी बच्चे जो कि आपके कज़न हो जाएंगे, और उनके पेरेंट्स वगैरह सब लोग, ये सब क्या होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली होती है. और ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑल्सो अवर एक्सटेंडेड फैमिली. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी हमारी एक्सटेंडेड फैमिली कहलाते हैं. ओके, अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, डू ऑल योर फैमिली मेंबर्स लिव विथ यू ऑल द टाइम. आपके सारे रिलेटिव्स या आपके सारे फैमिली मेंबर्स हर वक्त आपके साथ ही रहते हैं क्या? तो ठीक है, जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो लिखेंगे यस, जो जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं वो लिख देंगे नो. ये तो किताब में करना है तो कर लेना, बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही पूछा गया है. ठीक है, दिस इज नॉट द क्वेश्चन टू डन, इसे करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं. तो जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनके रिलेटिव तो उनके साथ हर वक्त रहते हैं, और जो जॉइंट फैमिली में नहीं बल्कि न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं उनके साथ उनके रिलेटिव्स हर वक्त नहीं रहते हैं. उनके रिलेटिव दूसरी सिटी में रह सकते हैं, कभी कभी तो दूसरी कंट्री में रहते हैं, उनके साथ नहीं रहते हैं. ठीक है, ओके, अब हम आगे आ जाते हैं. प्रिया इज थ्रिल्ड, पिया इज थ्रिल्ड. पिया बहुत एक्साइटेड है. थ्रिल होने का मतलब होता है बहुत एक्साइटेड, जैसे आप आपके बर्थडे पे एक्साइटेड होते हो, है ना, अब क्या होगा, कितनी सारी गिफ्ट्स आएंगे, किस किस को बुलाना है, केक कौन सा डिज़ाइन का बनाना है, ये सब चीज़ें कहलाती हैं थ्रिल्ड. आप जब थ्रिल्ड होते हो, आप जब एक्साइटेड होते हो, तो आज पिया भी बहुत एक्साइटेड है. क्यों भाई, क्यों एक्साइटेड है? इट इज़ वैकेशन टाइम. वैकेशन मतलब छुट्टियाँ, है ना, आपकी भी वैकेशन चल रही थी बहुत दिनों से. इस बार तो कोरोना ने बहुत सारी वैकेशन दिलवाई हैं आपको, है ना, बट अब तो क्लासेस शुरू. वैसे भी इतनी वैकेशन में बोर भी हो जाते हैं, है ना, ओके. तो पिया इज थ्रिल्ड, इट इज़ अ वैकेशन टाइम, छुट्टियों के दिन चल रहे हैं. हर अंकल्स आंट्स एंड ऑल हर कजन्स आर कमिंग टू हर हाउस. तो उसके घर में उसके सारे अंकल आंट्स और उसके कजन्स आ रहे हैं. वाह, अब तो मज़े हैं, क्योंकि घूमेंगे फिरेंगे और सारे दिन मस्ती. तो फिर इसीलिए तो पिया आती थ्रिल्ड है, जब आपके घर भी सब अंकल आंट आते हैं, चाचा चाची ताऊ ताई सब लोग छुट्टियाँ आते हैं, या फिर आप खुद नानी के घर जाते हो, वहाँ पे मासी मिलती है, या फिर मामा मामी मिलते हैं, कजन्स मिलते हैं, तो कितने मज़े करते हो, है ना, सिर्फ घूमो फिरो, बढ़िया बढ़िया खाना खाओ और ढेर सारी मस्ती. तो इसीलिए पिया इतनी थ्रिल्ड है, इतनी एक्साइटेड है कि वाह सब लोग घर आ रहे हैं. ओके, अब हम देखते हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ से आ रहा है. हर अंकल इज कमिंग फ्रॉम यूएसए, उसके जो अंकल हैं वो यूएसए से आ रहे हैं. ठीक है, हर कजन्स आर कमिंग फ्रॉम स्कूल हॉस्टल, उसके कुछ कजन्स थे जो कि स्कूल में हॉस्टल में रहते थे वो भी आ रहे हैं.
और वो सब अपनी छोटी सी सिस्टर को पहली बार मिलेंगे. पिया'स मदर टोल्ड हर दैट दे वुड डिसाइड हर सिस्टर्स नेम व्हेन हर एक्सटेंडेड फैमिली इज हेयर. तो पिया की एक छोटी सी लिटिल सिस्टर भी है, ठीक, और ये सब लोग उससे पहली बार मिलेंगे. अब तक उस वाली छोटी सी बच्ची को किसी ने नहीं देखा है, इसीलिए सब लोग उसके लिए क्या गिफ्ट्स लेकर आएंगे, ऑब्वियसली, है ना. और फिर पिया की मम्मा ने उसको बताया है कि हम जब सब लोग आ जाएंगे, पूरी जब एक्सटेंडेड फैमिली घर आ जाएगी, तो हम पिया की जो छोटी बहन है उसका नाम रखेंगे अच्छा सा सबसे पूछ कर. आपको भी पता है जब आपका भी नाम रखा गया तो कितना डिस्कशन हुआ था. सब लोगों ने दादाजी को कोई और नाम अच्छा लगा, नहीं 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 इसका नाम ये रखेंगे. फिर मामा को लगा कि नहीं 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 इसमें मज़ा नहीं है, दूसरा नाम रखेंगे. बहुत मुश्किल से नाम डिसाइड होता है, तब जाके सब लोग एग्री करते हैं, फिर आपका नाम रखा जाता है. इतना आसान थोड़ी ना है, क्योंकि वो नाम तो सारी ज़िंदगी के लिए होता है ना. तो इसी तरह से पिया की मम्मा ने उसको बोला है कि जब पूरी एक्सटेंडेड फैमिली घर आ जाएगी वैकेशन में, तब हम लिटिल बेबी का नाम रखेंगे. ओके, थिंक नाउ, व्हाई डू वी हैव सेरेमनीज फॉर न्यू बॉर्न बेबीज. अब जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होती हैं, मतलब जो छोटी छोटी सी लिटिल बेबीज़ होती हैं, उनके लिए हम इतनी सारी सेरेमनीज़ क्यों करते हैं. ये सेरेमनीज़ मतलब हमने पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में, सेरेमनीज़ मीन्स इतने सारे सेलिब्रेशंस, इतने सारे इवेंट्स क्यों करते हैं हम छोटे बच्चों के लिए. तो उसका कुछ रीज़न होता है. अगर आप चाहो तो अपने ग्रैंड पेरेंट से या पेरेंट से पूछ सकते हो, अदरवाइज जब आप बड़े हो जाओगे तब समझ लेना, ठीक है. ओके, अब कम टू द पेज नंबर 13. पेज पलटो, पेज नंबर 13 पे एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स माइट लिव टूगेदर और लिव इन द सेम सिटी और लिव इन द डिफरेंट सिटीज एंड इवन डिफरेंट कंट्रीज. ये अभी अपन ने बात की इस बारे में कि एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, वो या तो हमारे साथ रह सकते हैं जो जॉइंट फैमिलीज में होता है. अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, वो या तो सेम सिटी में हो सकती है, डिफरेंट सिटी में हो सकती है, इवन डिफरेंट कंट्री में भी हो सकती है ना, कहीं पर भी रहता है, बट स्टिल पर वो हमारे रिलेटिव्स ही होते हैं. द मेंबर्स ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली हेल्प ईच अदर. एक्सटेंडेड फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, कोई भी फैमिली हो, चाहे वो एक्सटेंडेड फैमिली हो या वो न्यूक्लियर फैमिली हो, कोई भी फैमिली हो चाहे इमीडिएट फैमिली हो, हमने क्या पढ़ा था कि फैमिली मेंबर्स ऑलवेज हेल्प ईच अदर, हमेशा एक दूसरे की सहायता करते हैं. द एल्डर्स लुक आफ्टर यंग चिल्ड्रन. जो एल्डर्स होते हैं, जो बड़े होते हैं घर में, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट्स, वो क्या करते हैं, छोटे बच्चों की उनको लुक आफ्टर करते हैं, मतलब उनकी देखभाल करते हैं. दे गिव एडवाइस, वो अच्छी अच्छी सलाह देते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं आपको. द चिल्ड्रन मीट एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर ड्यूरिंग सेलिब्रेशंस. अब जो लोग जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, तो उनके रिलेटिव्स तो बाहर रहते हैं, दूसरी सिटी में रहते हैं या दूसरी कंट्री में, तो वो तो रोज़ रोज़ नहीं मिल सकते. तो फिर बच्चे अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर से कब मिलते हैं, हमेशा सेलिब्रेशंस के टाइम पे. कोई किसी की शादी है, मैरिज है, तो मिल सकते हैं, या फिर कोई फेस्टिवल है, दिवाली, होली, उस पर मिल सकते हैं, या फिर कोई ऐसे ही वैकेशंस पड़ जाती हैं कि विंटर ब्रेक पड़े या समर ब्रेक पड़े, तब मिल सकते हैं. यानी कि कोई भी सेलिब्रेशंस होते हैं, हॉलीडेज होते हैं, तभी हम अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर से मिल पाते हैं, यदि हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं तो. ओके, दे गेट टुगेदर फॉर फैमिली फंक्शंस. वो हमेशा किसके लिए इकट्ठे होते हैं, फैमिली फंक्शंस के लिए. किसी का बर्थडे मनाना है, किसी की शादी है, तो हम सब लोग फैमिली फंक्शन करते हैं और इकट्ठे होते हैं. दे मीट दोज हु लिव फार अवे ड्यूरिंग वेडिंग्स एंड हॉलीडेज. तो वो अपने रिश्तेदारों से, वो अपने रिलेटिव से जो कि बहुत दूर रहते हैं, कब कब मिल सकते हैं, वेडिंग्स पर और हॉलीडेज पर. ठीक है, तो आज हमने थोड़ा सा, इतना ही काफ़ी आज के लिए. आज हमने एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में पढ़ा, तो हम छोटा सा रिवाइज कर लें. एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती है, जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, इनको छोड़ के जो भी रिलेटिव्स होते हैं, वो सारे एक्सटेंडेड फैमिली कहलाते हैं. ठीक है, एक्सटेंडेड फैमिली में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, कजन्स, अंकल आंट सब आ जाते हैं. वो हमारे साथ भी रह सकते हैं और अलग भी रह सकते हैं. वो हो सकता है कि इसी सिटी में, हो सकता है दूसरी सिटी में, और हो सकता है दूसरी कंट्री में भी हो. और जनरली हम क्या करते हैं, अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर से हमेशा कोई ना कोई हॉलीडेज पर या फिर फैमिली फंक्शंस में या किसी भी ओकेशन पर मिल पाते हैं. गेटिंग, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली. अब ये हार्ड वर्ड्स हैं इस चैप्टर के, इन हार्ड वर्ड्स को आपको कॉपी में नोट करना है. अब मुझे लगता है कि अभी आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा. अगर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. अभी आप चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करोगे, और चैप्टर नंबर 2 में चैप्टर का नंबर, चैप्टर का नाम
और ये हार्ड वर्ड्स लिख लेना, और हार्ड वर्ड्स को विथ स्पेलिंग याद करना है। अभी देखो मैं साइड में खड़ी हूँ, इतना टाइम बहुत है आपको ये नोट करने के लिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। फर्स्ट इज extended, एक्सटेंडेड, सेकेंड इज थ्रिल्ड, थ्री इज वैकेशन, फोर्थ वेडिंग, फिफ्थ ट्रेडिशनल TRADITIONAL, सिक्स्थ इज ब्लाइंड फोल्ड BLINDFOLD, सेवन्थ डेंजरस DANGEROUS, डेंजरस, एट्थ रिलीजियस RELIGIOUS, नाइन्थ इज इमीडिएटली IMMEDIATELY, टेंथ इज इनअप्रोप्रिएट INAPPROPRIATE। ठीक, तो इनको हार्ड वर्ड्स को आप नोट कर लेना, ठीक है, और लर्न कर लेना। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द डे, और टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।